और अब बात करेंगे सुल्तानपुर डकैती कांड की। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है और यहां पर एक और आरोपी को पकड़ा जा चुका है। एनकाउंटर उसको किया गया, चोट उसको लगी और उसके बाद उसको जब पकड़ा गया, क्या कुछ तस्वीरें, क्या अपडेट इस पूरे मामले में, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। क्राइम पर हिसाब तगड़ा, यूपी में हिसाब लंगड़ा। जी हाँ, योगी बाबा के राज में अपराधियों का पूरा इलाज किया जाता है, वो भी लंगड़ा बनाकर। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर का डकैती कांड याद है ना आपको, वही डकैती कांड जिसमें शामिल मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अब भी यूपी का सियासी पारा उबाल पर है। उसी डकैती कांड का एक और सरगना अजय यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एनकाउंटर में पुलिस ने उसे लंगड़ा कर डाला। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान बदमाश अजय यादव को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। अजय यादव के ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया था। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अजय यादव के पास से डकैती में लूटे गए जेवरात, पैसे, अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग मारने के उद्देश्य जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1,00,000 का इनाम घोषित है और ये जो टटेरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इससे पहले इस डकैती में शामिल रहे 1,00,000 के इनामी मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। बताओ, वहीं अब अजय यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने एनकाउंटर के बाद अखिलेश पर चुटकी ली, कहा पुलिस अखिलेश का दर्द ही खत्म नहीं होने देती। अखिलेश अभी मंगेश यादव के एनकाउंटर के सदमे से उभरे भी नहीं थे कि अब अजय यादव का एनकाउंटर। सुल्तानपुर ज्वेलर्स कांड में वांछित अजय यादव को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली चली है और अजय यादव के पैरों में गोली लगी है, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। वहीं हर एनकाउंटर के बाद जाति की सियासत का रोना रोने वाली समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं और इस बहाने योगी सरकार को घेरा है। अगर कोई दोषी है तो उसका प्रमाण हो तब उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बदले और विद्वेष की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विपक्ष भले ही इस मामले को लेकर सियासत करने में जुटा हो, लेकिन योगी राज में अपराधियों का चुन चुन कर इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात झारखंड की करेंगे। आपको बता दें, झारखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जेएमएम सरकार पर जमकर हमला बोला है और साफ तौर पर हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ए आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार उठाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की और ये हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ।